फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। तो अकाउंटिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, दैट वी हैव टू लर्न नाउ। तो मेथड और सिस्टम विच इज़ मेंशन टू कीप अकाउंट्स, इट्स कॉल अकाउंटिंग। एंड अकाउंट्स आर ऑल्सो नोन एज अ बुक कीपिंग, उसको हम बुक कीपिंग भी बोल सकते हैं। बुक कीपिंग क्यों, क्योंकि जितने भी अकाउंट है उसको हम एक बुक में बनाते हैं, दैट्स वाई वी हैव टू कॉल एज अ बुक कीपिंग। तो अ सिस्टम और मेथड, ऑल अकाउंट वी हैव टू मेंटेन इन वन बुक एंड दैट बुक इज कॉल्ड अकाउंटिंग। तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी इनकम होते हैं, वो हम एक बुक में लिखते हैं और उसके बाद उसका एक लास्ट में एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसके ऊपर से प्रॉफिट और लॉस वी हैव टू डिसाइड फॉर द बिजनेस। तो उसे हम अकाउंट बोलते हैं सिंपल वे। AICPA की डेफिनेशन भी है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स है, उसकी डेफिनेशन है व्हाट इज अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट विच आर इन अ पार्ट एट ट्रीट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इट्स इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। तो AICPA की डेफिनेशन है, आप उसको भी लर्न कर सकते हो। और अमेरिकन स्टैंडर्ड काउंसिल ASC की भी एक डेफिनेशन है कि व्हाट इज अकाउंटिंग। इट इज अ सर्विस एक्टिविटी, इट्स अ फंक्शनल इज टू प्रोवाइड द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस प्राइमरली फाइनेंशियल इन अ नेचर अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज दैट इज इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। तो उसको हम अकाउंटिंग बोलेंगे। तो पहले अकाउंट कितने हम बनाते थे, व्हाट इज अ मेथड। एक्चुअली अकाउंट का एक सिंपल मीनिंग भी मैंने आपके लिए लिखा है, ए मेथड और अ सिस्टम विच इज रिकॉर्डिंग ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, क्लासीफाइंग ट्रांजेक्शन इन अ बुक विच हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रूल इज नोन एज अकाउंटिंग। दिस इज अ सिंपल मीनिंग, सो यू कैन प्रिपेयर दिस वन। ओके, तो पहले अकाउंटिंग मेथड कितनी थी। तो वी हैव अ टू मेथड ऑफ अकाउंटिंग। द फर्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, वी हैव टू मेथड, देशीनामा सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। देशीनामा सिस्टम इज अवर एंशियंट सिस्टम, इट्स यूज्ड इन अ सोल प्रोपराइटरशिप, इन ऑल्सो पार्टनरशिप ऑल्सो, एंड देशीनामा सिस्टम इज कॉल्ड वही खाता मेथड ऑल्सो, बट वी आर नॉट यूजिंग दिस मेथड नाउ बिकॉज वर्ल्ड आर नाउ यूज्ड डबल एंट्री सिस्टम। सो वी हैव टू लर्न द डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम वी हैव थ्री पार्ट, मर्केंटाइल बेस, कैश बेस एंड हाइब्रिड और मिक्स बेस इज देयर, बट दैट वी डोंट वॉन्ट टू डू मोर इन इट। वॉट इज डबल एंट्री सिस्टम, दैट वी हैव टू लर्न नाउ। डबल एंट्री सिस्टम मतलब वॉट एवर द ट्रांजेक्शन्स आर देयर, वॉट एवर द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स आर देयर, दैट ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हैव टू इफेक्ट। द फर्स्ट इज डेबिट, अनदर इज क्रेडिट। हु फाउंड दैट मैथड। इन 1494 द इटाली पादरी इज देयर, लुका पेशियोली, the mathematician, he is a mathematician and he has found that method. He written this method in his book Profitable Paradise. The double entry system, they are given, that persons are given the rule of debit and credit, and then after that the rules will be developed, and that's why it is called double entry system. Each and every transaction has two effect, and that with the help of these two effect, one effect will be debit, another effect will be credit, and we have to maintain the account. Now the world making the account with the double entry system. That's why we have to learn this in 11th standard and 12th standard everywhere, double entry system. We have one chapter of Deshinama in part 2. So there we have to learn what is a Deshinama. Okay, but nowadays we have to लर्न द अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। जब हमको अकाउंट पढ़ना है तो उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, सबका एक ग्रामर होता है, दिस इज द ग्रामर ऑफ अकाउंटिंग। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स वी हैव टू थिंक, वी हैव टू ऑलवेज डिस्कस बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है, वॉट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स एक्सचेंज और प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ बिजनेस बिटवीन टू और मोर पर्सन्स इन फॉर्म ऑफ कैश और क्रेडिट, इट्स कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। तो जब भी हम दो लोग गुड्स एक्सचेंज करते हैं, सर्विस एक्सचेंज करते हैं, तो उसको हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं। इफ यू आर गिवन कैश, आपने कैश दिया है, तो दैट इज कैश ट्रांजेक्शन। आपने कैश नहीं दिया है, आपने
जिस क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया या सेल किया, दैट मीन्स इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स. नाउ व्हेन वी स्टार्ट द बिजनेस वी हैव टू इन्वेस्ट समथिंग इन द बिजनेस. हु इन्वेस्ट इन द बिजनेस? द ऑनर इन्वेस्ट एवरीथिंग इन द बिजनेस बिकॉज दिस इज द ऑनर. ऑनर मतलब दोज हु आर इन्वेस्टेड मनी इन द बिजनेस, दे आर द ऑनर ऑफ द बिजनेस. एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ऑनर टू कॉमन्स द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल. कैपिटल किसे बोलते हैं? अगर मेरा बिजनेस है तो मैं जितना पैसा लगाता हूँ दैट इज माई कैपिटल. ड्रॉइंग्स, अगर आपने बिजनेस चालू कर लिया बट आपको बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ी तो आप कहाँ जाओगे? हर मंथ यू वॉन्ट सम अमाउंट तो यू विदड्रॉ द मनी फ्रॉम द बिजनेस. सो वैन ऑनर ऑफ द बिजनेस विदड्रॉ कैश और गुड्स और एसेट फ्रॉम द बिजनेस फॉर इज पर्सनल यूज, इट इज़ नोन एज ड्रॉइंग्स. मतलब पर्सनल यूज के लिए आप बिजनेस में से कुछ भी ले जाओ, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स. नाउ लायबिलिटी. लायबिलिटी हम किसे बोलेंगे? तो सपोज हमने गुड्स परचेज किया, पैसा नहीं दिया, तो दैट पर्सन इज अवर क्रेडिटर. हमको पैसा पेड करना है. हमने कहाँ से लोन लिया है? बैंक से. उसका पैसा नहीं पेड किया. और कोई फ्रेंड से भी पैसा हमने उधार पे लिया है तो वो भी पैसा हमने नहीं पेड किया. तो ये सबका टोटल मिला के जो भी अमाउंट होता है डेट इज अवर लायबिलिटी. अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स असेट्स और अमाउंट पेबल फॉर बोरोअर मनी इज नोन एज लायबिलिटी. हमने कहीं से भी लोन लिया दैट इज अवर बोरोअर मनी. तो ये सब परचेज किया, क्रेडिट परचेज किया, आपने कहीं से लोन लिया, इसका जो टोटल होता है दैट इज अवर लायबिलिटी. लायबिलिटी में दो पार्ट है, इंटरनल लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी. अभी हम शॉर्ट में समझेंगे उसको. इंटरनल लायबिलिटी जब ऑनर पैसा देता है, दो तीन ऑनर होते हैं तो वन ऑनर विल इन्वेस्ट द मनी इन द बिजनेस, दे विल गिव द सम अमाउंट टू बिजनेस व्हेन बिजनेस वांट द मनी. जब बिजनेस को पैसा चाहिए वो पैसा देने के लिए रेडी होता है, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी टूवर्ड्स द ऑनर. इंटरनल लायबिलिटी उसको बोलेंगे. एक्सटर्नल लायबिलिटी, कभी आपको पैसे की ज़रूरत है मगर कोई ऑनर के पास पैसा नहीं है तो यू कैन विदड्रॉ द मनी, यू कैन टेक द बोरो द मनी फ्रॉम सम अदर पार्टीज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी टूवर्ड्स द थर्ड पार्टी, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटीज. नाउ द नेक्स्ट इज करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज किससे बोलते हैं? तो वी हैव टू थिंक अबाउट द टाइम पीरियड ओनली. तो जिसका टाइम पीरियड द लेस देन वन ईयर इज देयर, द लायबिलिटी पेबल विद इन द पीरियड ऑफ द लेस देन वन ईयर, दैट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी. नॉन करंट लायबिलिटी, द लायबिलिटी इज पेबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द मोर देन वन ईयर, दैट इज कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटी. जिसका पीरियड एक साल से ज़्यादा है उसको हम नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं. असेट्स, असेट किसे बोलते हैं? सर मेरे पास तो इतनी सब एसेट है. तो एसेट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ असेट्स? असेट मीन्स एनी सच टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट और आइटम विच इज ऑफ ऑनरशिप ऑफ बिजनेस हैज ए इकोनॉमिक वैल्यू. सपोज मेरे पास गाड़ी है, गाड़ी इज ए टेंजिबल, यस इट इज अ टेंजिबल, वी कैन टच इट, वी कैन सीन इट, और उसका पैसा भी मुझे मिलता है, इकोनॉमिक वैल्यू भी है. जब मैं सेल करने जाऊँ मुझे पैसा मिलता है, दैट इज कॉल्ड असेट्स. Asset means any such tangible or intangible product or item which is a ownership of a business has a economic value, that is called asset. We have so many types of assets are there. First is intangible asset. Intangible means we can't touch it, we can't see it, there is no physical existence of this assets, that is called intangible asset. Goodwill, patent, copyright and trademark. So that four words we have to discuss later on. What is goodwill, what is patent, what is copyright, what is trademark, I will discuss small one word only. Goodwill matlab the value of the prestige of the business. Patent matlab once you have to find something, you have to found something, aapne kuch naya dhunda hai to uska right aapke paas hai. Copyright, to writer ke paas jo right hota that is copyright hai. Or trademark, just a symbol of the symbol of goods, that it is called trademark. Now tangible asset. टेंजिबल एसेट किसे बोलते हैं? तो विच वी कैन सीन इट, विच वी कैन टच इट, एंड देर इज अ फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स. एंड देर आर सो मैनी एसेट्स आर टेंजिबल ओनली, लैंड, मशीनरी, प्लांट, देर आर सो मैनी एसेट्स आर देयर. नॉन करंट एसेट्स, अनकरंट एसेट्स इज बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड. नॉन करंट एसेट मोर देन वन ईयर,
it is a non-current assets. And if the asset are less than 1 year, it is a current asset. And then another one is that asset you have to convert into cash easily. Liquid asset. Liquid matlab, just like a liquid, you have to convert easily into cash. That is called liquid asset. Immediately, whenever you want the money, you have to just convert into cash. Suppose bank balance, you can convert it. Cash balance, you can convert it easily. So that's why it is called liquid assets. Real assets. The real asset means the asset that have a value in a reality. That asset is called a realizable value is there. The realizable value of the asset is called real value. Fictitious asset is important topic. Fictitious asset, which the asset do not have any physical existence. There is no reliability values are there of the business and that asset. It is called fictitious asset. After the time period is over, 4 years or 5 years, we have to make a big expenses for 4 years or 5 years. Then 5 years are over, then values are going to be zero. That is called fictitious asset. It cannot be converted into cash. That's why it is called fictitious asset. Advertisement expenses and incorporation expenses, there are so many other are there. Receipt. Receipt hum kise bolenge? To jab humko paisa milta hai, tab hum usko kuch dete hai. That is called receipt. When the money is received due to consequence of business transaction, it is known as receipt. Yes. Jab aap business karte aapko paisa milta, that is called receipt. Payment. आपको पैसा पेड करना होता है. किसको पेड करना होता है? जहाँ से आपने परचेज किया है, गुड्स परचेज किया है, कुछ भी परचेज किया है, वी आर टेकिंग सर्विस, तो उसको हमको पैसा पेड करना, दैट इज कॉल्ड पेमेंट. पेमेंट मतलब द मनी इज पेड ड्यू टू कंसिक्वेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, इट इज नोन एज पेमेंट. नाउ द नेक्स्ट इज एक्सपेंसिस. एक्सपेंसिस किसे बोलेंगे? द अमाउंट स्पेंड एंड बेनिफिट ऑफ ईच इट इज अवेलेबल टू द रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग ईयर, इट इज कॉल्ड एक्सपेंसिस. जब हमने कुछ परचेज किया, जब हमने कुछ सेल किया, सपोज यू आर पेड द सैलरी, सपोज यू आर पेड द रेंट, एंड दैट एक्सपेंसिस बेनिफिट यू हैव टू गेट इन अकाउंटिंग ईयर, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसिस. रेवेन्यू. रेवेन्यू मतलब इनकम. रेवेन्यू कितना हुआ अपना रेवेन्यू? हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दैट? व्हेन द ईयर इज ओवर देन वी हैव टू अंडरस्टूड हाउ मेनी रुपीज वी आर अर्न, मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड and provided to the customer respectively. If the credit sales are made and amount is receivable, it is known as a revenue. उसको हम revenue बोलेंगे, जितना पैसा हमको मिलता है जब हम पैसा goods sold करते हैं, service paid करते हैं, and we get the amount. That whole accounting year, whatever the amount you are received, that is called revenue. Profit. Sir, profit किसे बोलेंगे? 10 रुपया की जो वस्तु है, मैं 15 रुपीज़ में उसको सेल करूँगा तो मुझे 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, और दैट इज़ देयर. यस, प्रॉफिट मतलब गेन आफ्टर डिडक्शन ऑफ रेगुलर पेमेंट फ्रॉम द रेगुलर रिसिप्ट ऑफ द ईयर, द रिमेनिंग सरप्लस इज नोन एज प्रॉफिट. मतलब जो इनकम है उसमें से एक्सपेंसेस लेस करो, जो बचता है उसको प्रॉफिट होता है अपना, राइट? नाउ लॉस, तो अपोजिट ऑफ दैट, द एक्सपेंसिस आर मोर कंपेयर देन द इनकम, देन एक्सेस अमाउंट इज कॉल्ड लॉस. The difference obtained by the deduction of regular incomes from the regular expenses is called loss. Stock किसे बोलेंगे? जब हम goods बनाते हैं तो उसका stock भी रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी order आ सकता है. जब order आया तब goods उसको भेजना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? We have to make a stock. तो goods purchased by the businessman for business purchase of goods to remain sold from that, it is called stock. तो हमने suppose 10,000 stock 10,000 यूनिट परचेज किए, उसमें से हमने 8,000 परचेज सोल्ड कर दिए, तो 2,000 बचा यूनिट्स, दैट इज कॉल्ड स्टॉक्स. डेटर्स, दिस इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक. व्हाट इज डेटर्स? व्हेन अ बिजनेसमैन सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट टू हिज ओन कस्टमर, दैट कस्टमर आर कॉल्ड एज डेटर्स. लुक एट हियर, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. हु इज द डेटर्स, हु इज अ क्रेडिटर? द कस्टमर are always be debtors and trader are always be a creditors. Suppose I am the trader, I am selling the goods to my customer, तो मैंने जो भी goods उसको sell किया है, credit में sales किया, उसके पास से मुझे पैसा लेना है, so that persons for my aspect it is a debtors. और
जिसने मेरे पास से गुड्स परचेज किया उसके लिए मैं क्या बनूंगा, तो उसके लिए मैं क्रेडिटर्स बनूंगा। तो व्हेन द गुड्स और व्हेन द बिजनेस सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट टू हिज कस्टमर, दोज कस्टमर आर कॉल्ड एज डेटर्स, क्रेडिटर्स। पहले डिस्कस कर लेते फिर बाद रिसीवेबल। क्रेडिटर्स, अ पर्सन फ्रॉम होम गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट, द पर्टिकुलर पर्सन बिकम द क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। हमने जिसके पास से गुड्स परचेज किया दो जो ट्रेडर है, तो ट्रेडर है दैट इज अ क्रेडिटर्स, ये अपना क्रेडिटर है। नाउ रिसीवेबल्स, रिसीवेबल किसे बोलते हैं, एनी अमाउंट टू बी रिसीव्ड बाय द बिजनेसमैन इन द फ्यूचर फॉर्म ऑफ एनी पर्सन और पर्सन इज नोन एज रिसीवेबल। एनी अमाउंट टू बी रिसीव्ड बाय बिजनेसमैन इन फ्यूचर, इन द फ्यूचर फॉर्म ऑफ एनी पर्सन और पर्सन, मतलब हमको पैसे मिलने वाले दैट इज रिसीवेबल्स। पेबल्स, एंड एनी अमाउंट टू बी पेड बाय द बिजनेस पर्सन इन द फ्यूचर्स टू एनी पर्सन और पर्सन इज नोन एज पेबल। हमको किसी को फ्यूचर में पैसे पेड करने हैं, तो जितने भी पैसे पेड करने हैं वो सबका टोटल पेबल्स होता है। और हमको जिसके पैसा कलेक्ट करना है, जितने भी लोगों के पैसे पैसे हमको कलेक्ट करना है उसका टोटल होता है, दैट इज रिसीवेबल। नाउ कॉस्ट, तो हम कुछ भी गुड्स परचेज करते हैं तो उसका एक कॉस्ट होता है, उसका एक वैल्यू होता है। तो जितना भी कॉस्ट होता है उसका टोटल मिला के उसको कॉस्ट बोलते हैं। टू प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट और प्रोवाइड एनी सर्विस, वॉट एवर एक्सपेंसिस आर रिक्वायर, द सम ऑफ द एक्सपेंसिस इज कॉल्ड कॉस्ट। जितना भी एक्सपेंसिस का टोटल दैट इज कॉस्ट बोलते हैं। वाउचर, दिस इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, विदाउट वाउचर वी कांट रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस, दैट इज अ रूल एज पर अकाउंटिंग। द वाउचर इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑफ द बिजनेस, तो जितना भी रिटर्न डॉक्यूमेंट, मतलब कुछ भी आपको परचेज करना है, कुछ भी सेल कर रहे हैं या कोई भी एक्सपेंसिस करना है, कोई भी इनकम होती है, विदाउट वाउचर वी कांट बी रिकॉर्ड, दैट्स वाई वाउचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। वाउचर इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। नाउ द नेक्स्ट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट किसे बोलेंगे हम, जब हम परचेज करते हैं सेल करते हैं गुड्स इन एनी कंडीशंस, इन सर्टेन कंडीशंस, द अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल अमाउंट, इट इज कॉल्ड डिस्काउंट। यस, जब हम परचेज करते हैं तो हमको डिस्काउंट मिलता है, जब हम सोल्ड करते हैं तो हमको डिस्काउंट देना पड़ता है, ट्रेड डिस्काउंट। अ ट्रेडर गिव सम डिस्काउंट टू स्मॉल बिजनेसमैन, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। सिंपल मीनिंग, एट द टाइम ऑफ द सेल्स अ बिजनेसमैन डिडक्ट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट फ्रॉम सेल्स प्राइस, इट इज नोन एज अ ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, जल्दी कैसा पैसा जल्दी मिले बिजनेसमैन को, इसीलिए वो कैश डिस्काउंट देता है। टू अट्रैक्ट द कस्टमर विद द परचेज पर्पज टू रिसीव द क्विक कलेक्शन ऑफ द क्रेडिट सेल्स, द अमाउंट विच इज डिडक्टेड फ्रॉम द रिसीवेबल अमाउंट इज नोन एज क्रेडिट। मतलब जितना पैसा मुझे, मैं जब गुड्स सोल्ड करता हूँ तो जिसके पास से मुझे पैसा लेना है वो मुझे तुरंत पैसा दे दे, इसलिए मैं उसको एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता हूँ, एक थोड़ा पैसा कम कर देता हूँ, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड, हमको जो अमाउंट मिलता है डिस्काउंट मिलता है, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव्ड। वो आप पढ़ सकते हैं, ईजी है, डिस्काउंट अलाउड। हमने जब सेल्स करते हैं तब सब लोगों को डिस्काउंट देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड। नाउ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेप्रिशिएशन। व्हाट इज डेप्रिशिएशन, ए परमानेंट एंड ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, इट इज कॉल्ड डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन का पूरा चैप्टर पार्ट टू में आता है, वहाँ हम पढ़ेंगे। डेप्रिशिएशन मतलब जो भी गुड्स मेरे पास है, जो भी असेट्स मेरे पास है, उसका वैल्यू डिक्रीज होता है। परमानेंट एंड ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, इट इज कॉल्ड डेप्रिशिएशन। आप उसका यूज करो या न करो, उसका वैल्यू डिक्रीज होता है। नाउ द बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स किसे बोलेंगे, जब बिजनेस आप करते हो तो 100% बैड डेब्ट्स होने वाले ही हैं। अ फुल और हाफ अमाउंट विच इज नॉट रिसीवेबल फ्रॉम द डेटर्स, इट इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स। हमको फुल अमाउंट हाफ अमाउंट नहीं मिलता, उसको हम बैड डेब्ट्स बोलेंगे। सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट टॉपिक। सॉल्वेंट किसे बोलेंगे, इंसॉल्वेंट किसे बोलेंगे, अरे मेरे पास 50 लाख की असेट है और मेरा डेब्ट 30 लाख का, तो मैं सॉल्वेंट हुआ, क्योंकि मैं अभी भी धंधा बंद करूँ, मेरा बिजनेस बंद करूँ तो मेरे पास पैसा बचेगा। बट सपोज मेरी असेट 50 लाख की है, मेरी असेट 50 लाख की है और मेरा मेरी लाइबिलिटीज़ हैं 70 लाख, तो मैं बिज़नेस बंद करूँगा तो मेरे पास पैसा कम पड़ेगा,
दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट। इन अकाउंटिंग पर्सन हु पे हिज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस रेगुलरली एंड हुज असेट आर मोर देन हिज लायबिलिटी, दैट पर्सन इज नोन सॉल्वेंट। और जिसके पास असेट ज़्यादा नहीं है, इन अकाउंटिंग अ पर्सन हु डजंट पे हिज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस रेगुलरली एंड हुज असेट्स आर लेस देन हिज लायबिलिटी, दैट पर्सन इज नोन इंसॉल्वेंट। नाउ डेबिट और क्रेडिट, जब हम अकाउंट बनाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का जो अकाउंट में टू पार्ट होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, तो लेफ्ट साइड का जो पार्ट है इट्स कॉल्ड डेबिट एंड राइट हैंड पार्ट इज कॉल्ड क्रेडिट, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। तो व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट। अकाउंट, अकाउंट पूरे चैप्टर टू में अकाउंट के लिए बढ़ना ही है, तो भी एक बार हम समझ लेते हैं अकाउंट किसे बोलते हैं। तो जितना भी ट्रांजेक्शन होता है वो अलग अलग, सपोज परचेज का ट्रांजेक्शन हुआ, सेल्स का ट्रांजेक्शन हुआ, तो हम साथ में नहीं लिखेंगे, उसको अलग अलग जगह लिखेंगे। परचेज का ट्रांजेक्शन परचेज की जगह लिखेंगे, सेल्स का ट्रांजेक्शन सेल्स की जगह लिखेंगे, क्योंकि जब भी आपके बिजनेस मतलब ऑनर को चाहिए पैसा, कितना सेल्स हुआ मुझे बताओ, कितना परचेज हुआ मुझे बताओ, तो कैसे बताओगे आप? विद द हेल्प ऑफ द अकाउंट यू कैन गिव द आंसर्स। दैट्स वाई ट्रांजेक्शन पर्टेनिंग टू respective items or a person is recorded at the one place and from where the summary of the transaction of that items or a person can be obtained, it is called account. तो हम उसको account बोले। तो ये terminology है, अच्छी तरह से आप पढ़ना, एक दो बार लिख के तैयार करना, that's it.